आज हम बात करेंगे अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इस यूनिवर्सिटी से जुड़ी हर डिटेल, जैसे कि कोर्सेज की जानकारी, रैंकिंग एंड अवार्ड्स एंड प्लेसमेंट आफ्टर द कोर्स। अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी लोकेटेड है डीवाई पाटिल नॉलेज सिटी रोड वाया लोहगांव एयरपोर्ट रोड पुणे महाराष्ट्र में। ये यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करती है 80 बेस्ट अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टरल प्रोग्राम्स इन यूनिक एरियाज जो कि अंडर आते हैं 9 स्कूल्स के। साथ ही ये एस्टैब्लिश हुई थी अंडर महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 2015 और यूनिवर्सिटी यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से भी अप्रूव्ड है। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको इनका एंट्रेंस एग्जाम देना होता है जिसका नाम है ACET. This is the first step to the admission procedure. जो भी aspirants UG या PG courses में interested हैं, उनके लिए entrance test देना mandatory है। तो आइए अब देख लेते हैं कि आपको ADYPU क्यों choose करना चाहिए। इस university को choose करने के 10 reasons हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। Customize your education. ADYPU में आप curriculum को अपने individual goals के according shape कर सकते हैं। आप किसी भी department या school of the university से courses choose कर सकते हैं। Global immersion. ये university provide करती है wide and expanding network of partner universities from different part of the world, mainly from US, UK and Europe. यानी कि इस university में admission लेकर आपके पास abroad जाकर study करने का भी option बन जाता है। स्टैंडर्ड्स बेस्ड करिकुलम। इस यूनिवर्सिटी का करिकुलम डेवलप्ड किया गया है बिजनेस वैलिडेटेड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड दैट बेंचमार्क्स अगेंस्ट द इंटरनेशनली डेवलप्ड फ्रेमवर्क्स सच एज एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ABET USA, कंप्यूटिंग साइंस एक्रेडिटेशन बोर्ड CSAB USA, नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ आर्ट्स एंड डिजाइन NASAD USA एंड द सब्जेक्ट बेंचमार्क स्टेटमेंट्स एज प्रोवाइडेड बाय द क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी QAA UK। टी शेप्ड प्रोफेशनल। इस यूनिवर्सिटी का फोकस होता है टी शेप्ड प्रोफेशनल्स बनाने में जो कि आगे चलकर विनर्स कहलाते हैं ऑफ द न्यू एज। टी शेप्ड प्रोफेशनल्स वो होते हैं जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट कहलाते हैं इन देयर चूजन डोमेन। इनोवेशन फैक्ट्री। ये वो प्लेस है जहां स्टूडेंट्स अपने पीयर्स के साथ फ्रॉम द इंडस्ट्री सॉल्व करते हैं मोस्ट प्रेसिंग चैलेंजेस ऑफ द इंडस्ट्री एज वेल एज सोसाइटी एट लार्ज। इनोवेशन फैक्ट्री का मेन एम है इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को डेवलप करना जो कि पॉजिटिवली एनहांस करे क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल एंड साथ ही कंट्रीब्यूट करे इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस को इन द ग्लोबल मार्केट। ILEAD प्रोग्राम इम्पार्ट्स करते हैं हाई क्वालिटी लीडरशिप एक्सपीरियंस थ्रू वेरियस मोड्स एंड मीन्स सच एज वर्कशॉप्स, प्रोग्राम्स, इवेंट्स, एक्टिविटीज एंड स्पेसिफिक कोर्सेज। इनोवेशन इज इन आवर DNA. अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी एक इनोवेशन यूनिवर्सिटी है। इनके यहाँ कम्युनिटी है, फैकल्टी, स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री एंड बिजनेसेस की जो ड्राइव करते हैं द कल्चर ऑफ इनोवेशन। ये यूनिवर्सिटी पावर हाउस है टैलेंट एंड आइडियाज की। प्लेसमेंट्स। यहाँ की प्लेसमेंट यूनिट सिर्फ जॉब ढूंढने तक सीमित नहीं है, ये स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं उनके स्किल्स को और बेहतर बनाने में। प्लेसमेंट यूनिट कॉन्टिन्यूसली इन्वाइट्स करते हैं इंडस्ट्री से रिक्रूटर्स को इन द कैंपस एंड ऑल्सो ये अरेंज करते हैं इंडस्ट्री विजिट्स फॉर स्टूडेंट्स एज वेल। टीचिंग एंड लर्निंग। यहाँ का टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम बहुत अच्छा है, साथ ही ये हर लेवल पर स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं उनके स्किल्स एंड नॉलेज को और ज्यादा एनहांस करने में ताकि फ्यूचर में वो किसी भी न्यू अपॉर्चुनिटी को बेझिझक ग्रैब कर सके। यहाँ ध्यान दिया जाता है स्टूडेंट की पर्सनल डेवलपमेंट, क्रिएटिविटी, इंटेलेक्चुअल रिगोर एंड टेक्निकल एबिलिटीज पर, साथ ही उनके थॉट प्रोसेस पर भी बखूबी ध्यान दिया जाता है। स्टूडेंट एक्सपीरियंस। इस यूनिवर्सिटी का मानना है कि हर स्टूडेंट अपने आप में स्पेशल होता है, साथ ही हर स्टूडेंट में यूनिक टैलेंट्स होते हैं और ये वो प्लेस है जहां आप अपने टैलेंट को और स्पेशलिटी को पॉलिश कर सकते हैं एक फ्रेंडली एंड ओपन नेचर में। ये ऑफर करते हैं एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज, वाइड रेंज ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी। तो आइए अब देख लेते हैं ये यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करती है। डिजाइन फील्ड में आप कर सकते हैं बैचलर ऑफ डिजाइन इन फैशन डिजाइन, बैचलर ऑफ डिजाइन इन ग्राफिक डिजाइन, बैचलर ऑफ डिजाइन इन प्रोडक्ट डिजाइन, बैचलर ऑफ डिजाइन इन ऑटोमोबाइल डिजाइन,
मास्टर ऑफ डिजाइन इन ऑटोमोबाइल डिजाइन, मास्टर ऑफ डिजाइनिंग कंप्यूटर इंटरैक्शन डिजाइन, मास्टर ऑफ डिजाइन इन डिजाइन ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप, मास्टर ऑफ डिजाइन इन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट डिजाइन पीजीडीपी इन डिजाइन ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप। इंजीनियरिंग फील्ड में कोर्सेज इंक्लूड हैं बीटेक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइन, बीटेक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, बीटेक मेकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, बीटेक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एमटेक इन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, एमटेक इन बायो इंजीनियरिंग, एमटेक इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एमटेक इन कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, एमटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, एमएससी इन क्लिनिकल रिसर्च। फिल्म एंड मीडिया कोर्सेज में इंक्लूड है बीबीए इन फिल्म एंड मीडिया, बीबीए इन डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया, बीबीए इन मीडिया एंड कम्युनिकेशन, एमबीए इन मीडिया एंड कम्युनिकेशन। होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज में इंक्लूड हैं बैचलर ऑफ साइंस इन कलिनरी आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ साइंस इन हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन। आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्सेज में इंक्लूड है बैचलर ऑफ साइंस इन गेमिंग, बीटेक इन ब्लॉकचेन, बीटेक इन क्लाउड टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, बीटेक मोबाइल एप्लीकेशन एंड क्लाउड टेक्नोलॉजी, बीएससी इन एनिमेशन एंड वीएफएक्स, बीटेक इन आईटी डेटा साइंस, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बीसीए इन डेटा साइंस, बीसीए इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बीसीए इन क्लाउड टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, बीसीए इन मोबाइल एप्लीकेशन एंड क्लाउड टेक्नोलॉजी। लॉ की कोर्सेज हैं बैचलर ऑफ लॉ एलएलबी, सेंटर ऑफ पोस्ट एंड ग्रेजुएट लीगल स्टडीज इंटीग्रेटेड बैचलर ऑफ लॉ बीएएलएलबी, मास्टर ऑफ लॉ एलएलएम। लिबरल आर्ट्स के कोर्सेज हैं बीए इन लिबरल आर्ट्स। मैनेजमेंट के कोर्सेज में इंक्लूड हैं बीकॉम इन ऑनर्स, बीबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, बीबीए इन सेल्स एंड मार्केटिंग, बीबीए इन एविएशन मैनेजमेंट, बीबीए इन फाइनेंशियल सर्विसेज, बीबीए इन फाइनेंशियल सर्विसेज एंड सीएमए, बीबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस, बीबीए इन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बीबीए इन स्पोर्ट मैनेजमेंट, बीबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स, एमबीए इन बिजनेस इनोवेशन एंड स्ट्रेटजी, एमबीए इन मीडिया एंड कम्युनिकेशन, एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स, MBA in Aviation Management, MBA in Banking and Financial Services, MBA in Business Analytics, MBA in Digital Marketing and E-Commerce, MBA in Healthcare and Hospital Management, MBA in Hospitality Management, MBA in Marketing। Architecture में course include है Bachelor of Architecture and Master of Architecture in Environmental Arc। आइए अब देखते हैं ranking and awards जो इस university को मिले हैं। बेस्ट टेक्नोलॉजी इनोवेशन अवार्ड ADYPU को एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इनोवेशन अवार्ड रिसीव हुआ था फॉर द रिवॉल्यूशनरी कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रांसक्रिप्ट सिस्टम एट एजुकेशन टेक्नोलॉजी समिट न्यू दिल्ली। एक्सेलेंस इन टेक्नोलॉजी हायर एजुकेशन अवार्ड ADYPU अवार्डेड है फॉर एक्सेलेंस इन टेक्नोलॉजी हायर एजुकेशन एट इकोनॉमिक टाइम्स न्यू एज एजुकेशन सिंपोजियम मुंबई ऑन 26 फरवरी 2020। आइए अब बढ़ते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ यानी कि प्लेसमेंट कंपनीज। अब देख लेते हैं अब तक कौन कौन सी कंपनीज यूनिवर्सिटीज में विजिट कर चुकी हैं। टाटा AIG इंश्योरेंस, कॉग्निजेंट, एड्रोसोनिक, इंफोसिस, नेट टू सोर्स, सैप, जियो, प्रोकेम, स्कोडा, जसपे, इंफ्रासॉफ्टेक, कैनन, बिटवाइज, अमेजॉन, फोर्स, इन्फोगेन, बिरला सॉफ्ट, रिलायंस, L&T Infotech, Bajaj, Square Yards, Whirlpool and many more। अब अगर बात करें हॉस्टल की तो यहाँ आपको मिलता है बॉयज एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल, साथ ही फी स्ट्रक्चर है अप्रॉक्स 1.25 लाख to 1.5 लाख पर एनम। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद आप कई सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं लाइक लिटरेरी क्लब, डिबेट क्लब, ग्रीन टेक क्लब, इंटरनेशनल क्लब, मैथलेटिक्स क्लब, ट्रैकिंग क्लब,
हाउस ऑफ आर्ट्स एंड मेनी मोर। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड भी आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर मेंशन है। साथ ही आप इस वीडियो में नीचे कॉमेंट करके भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे हैप्पी ऑलवेज।